और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो हरियाणा में माहौल दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर भी रहे थे, आप भी कर रहे थे, चाहे वो कृषि कानून से जुड़े हुए मुद्दे हो या फिर जब से आंदोलन शुरुआत हुआ, एक माहौल आप लोगों के पक्ष में जरूर जाता हुआ दिखाई दिया। क्या ये लग रहा है कि ये सारे मुद्दे आप लोगों के पक्ष में जाएंगे और आप कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी? देखिए, अस्पष्ट बात है कि अब जो जनता है, जनता अब इधर उधर की बात करने वाले को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अब भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, कोई भी पार्टियां हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है, जन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, किसान का सवाल, इन सारे सवालों से कोई मतलब नहीं है। महिला सुरक्षा की बात कर लें, आप देखिए ना, पहलवान बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, क्या उन्हें न्याय मिला? दिल्ली के दरबार में वो न्याय की भीख मांगते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ध्यान उसका उसकी तरफ नहीं गया। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो हम लोग और इंडिया ब्लॉक हैं, कांग्रेस आई है, जो भी हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और जन सरोकार की बात करते हैं, जो जनता से जुड़ा ज्वलंत सवाल है, उस सवाल पर ऐना हम दिखाने का काम करते हैं जो सरकार में है। लेकिन 10 साल से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार 10 साल से है, कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार में, कहते हैं कि तीव्र गति से डेवलपमेंट होता है हर क्षेत्र में। क्या हुआ हरियाणा में? हरियाणा तो और 25 साल पीछे चला गया हर मामले में। अरुण जी, अगर कश्मीर की बात करें तो बीजेपी वहां पर देख रही है परिसीमन के बाद से जो अलग अलग सीटों में बदलाव है वो देखने को मिला। निर्दलीय भी बहुत सारी पार्टियां इस वक्त प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी रणभूमि में हैं, तो बीजेपी ये समझ रही है कि उसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। हिंदू अगर बहुल सीटों की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, कुल मिलाकर 9 सीटों का की बढ़त देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ये समझ रही है कि क्लीन स्वीप वो जमुई क्षेत्र में तो करेगी ही, जम्मू क्षेत्र में साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी इसका फायदा उन्हें मिलेगा। देखिए, यह तो स्पष्ट हो जाएगा कुछ ही देर बाद, आप लोग खुद चलाने लगेंगी कि वहां की जनता क्या चाहती थी, जनता ने किस सवालों पर मुहर लगाया। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी लगेगा ही कि पूरा देश की जनता उनके मुट्ठी में है। तो लोकसभा चुनाव में भी वो 400 पार की बात करते थे, परिणाम आया देखे आप, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट थी, 240 पर सिमट आई, और किसके सहारे केंद्र में सरकार में बैठे हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। और जनता का जो जनादेश अस्पष्ट कुछ ही देर आने वाले हैं, कुछ घंटों बाद, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, यह अस्पष्ट है। और यह आपके पास अरुण जी आएंगे और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आएंगे सुबह 8 बजे से, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये रुझान किस तरीके के परिणाम में बदलते हैं इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। मतगणना स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सवाल यही कि क्या हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि दो बार की अगर बात करें तो 2 टर्न बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में जो एग्जिट पोल है वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो कृषि कानून की अगर बात करें, पहलवानों की बात करें, इसके साथ साथ जो जातीय समीकरण वहां के हैं उस हिसाब से भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो क्या हरियाणा में कांग्रेस वापसी करेगी 10 सालों के बाद से, सवाल ये भी है। और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर में जीत किसकी होगी, और झारखंड में बीजेपी प्रवक्ता विनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश जी, आपको कितनी उम्मीद है? लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की ही करते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक जो सत्ता विरोधी लहर है वो भी देखने को मिला, कई ऐसे मसले इस बीच सामने आए जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आई, कास्ट वाइज भी कुछ ऐसी स्थिति बनी। आपको कितनी उम्मीद हरियाणा विधानसभा चुनाव से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देती है सफलतम चुनाव कराने के लिए, और नवरात्र के इस पावन अवसर पर
भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा की जनता को हृदय से अभिनंदन स्वागत है। शरदीय नवरात्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जनहित में, लोकहित में, लोक मंगल का विचार लेके ही इसका स्थापना ही हुआ था और उसी आधार पर आज द्रुत गति से हम उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं। इतने कम समय में किसी राजनीतिक दल का आप उठाकर आज़ादी के बाद से देखिए, कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय दल हुआ करती थी, बहुत अच्छा समय मिला। 60-62 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है, पर इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू की। उसका परिणाम यह हुआ कि जनता हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। वहां खट्टर साहब जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तब तो 5 साल के बाद फिर उनको 5 साल का अवसर मिला था। आज भी हमारा दल बहुत मजबूत स्थिति में है, अभी परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि लोकहित में लोक कल्याण को लेकर आगे बढ़ी है, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। अवनीश कुमार, आप दावा जरूर परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहे हैं तो हमारा राजनीति भी मजबूत होगा, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो खास करके जो हिंदी पट्टी है वहां कांग्रेस अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है और इस बार हरियाणा में भी कुछ ऐसी तस्वीर अब तक दिखाई दे रही है। क्या नहीं लगता है कि इन हिंदी पट्टियों में बीजेपी की ताकत थोड़ी कम हो रही है? यह अनुमान तो लोकसभा के समय आप लोगों ने भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को 325-340 आएगी। अनुमान है, पत्रकारिता मीडिया का यह कर्तव्य है, वो अपना अनुमान लगाती है, फोरकास्टिंग करती है, होना भी चाहिए, लेकिन हम तो उतना नहीं ले पाए। अभी हरियाणा के संदर्भ में आपका यह फोरकास्टिंग है, आप अनुमान के आधार पर यह कह रहे हैं, ठीक है, कांटे की लड़ाई हम कबूल करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। 10 साल से हम शासन में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लोकहित में कई काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या है कि अवनीश जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए जिसको लेकर कांग्रेस ने आगे प्रहार किया है। अग्निवीर योजना हो, संविधान के खिलाफ जाकर काम करने की बात की जाए, तो ये तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस की तरफ से आपके पार्टी के ऊपर लगाए गए और इन मुद्दों को लेकर चुनावी रैलियों में भी बहुत सारी चर्चाएं की गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मतदाता है वो बिखर सकते हैं? और क्योंकि एग्जिट पोल जो हमारे बता रहे हैं उससे यही स्पष्ट नजर आ रहा है, हालांकि एग्जैक्ट क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है ना आपको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी योजना लाती है उसका काफी पहले होमवर्क होता है, हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर होमवर्क करते हैं, कोई हवा हवाई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी अगर शिलान्यास भी कर रहे हैं तो उद्घाटन भी करते हैं, मैं एक दिन देख रहा था 75 ऐसे काम उन्होंने धरातल पर उतार दिए जो अविश्वसनीय थे, ये देश में पहली बार हो रहा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित किया उसने, अग्निवीर हो, संविधान, ये मैंने कहा ना कि दुष्प्रचार, पाखंड, प्रोपेगंडा, इसमें कांग्रेस अभी एक नंबर पर चल रही है। और भारत का लोकतंत्र, चूंकि बहुत बड़ा देश है, लोग यहाँ के भोले भाले हैं, आप यहाँ के लोगों को ठग सकते हैं, इसीलिए जनता ने इनको महाठगबंधन कहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब काम वो करना भी नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें दिया है हमको उसी आधार पर आगे बढ़ना है।